मैं हूँ जिग्नेश। तो आज हमारा डे टू है, तो आज हम लोग निकल चुके हैं आबू दर्शन के लिए। यहाँ पर एक आबू दर्शन की बस अवेलेबल है, उस बस में। तो ये हमारा पहला स्टॉप है अर्बुदा विश्वनाथ महादेव, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। महादेव जी का मंदिर है, और यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस बस में बैठ के आगे की जगह के लिए जाएंगे। फिलहाल आप इसका दर्शन कीजिए, महादेव के दर्शन कीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे अर्बुदा माता का मंदिर, जो कि पर्वत पे है। ये हम लोग पर्वत पे कुछ 400 सीढ़ी चढ़ के आए हुए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, एकदम गुफा के अंदर माता जी का मंदिर है, और ये वहाँ के ऊपर का नज़ारा है जो आप देख रहे हो। बहुत ही रमणीय दृश्य है। इसके बाद हम लोग अभी यहाँ से बस में बैठ के आगे की जगह पे जाएंगे। ये बस से लिया हुआ नज़ारा है, आप देख सकते हैं। चारों ओर हरियाली और पहाड़ी पहाड़ है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर, जो कि एक बहुत पौराणिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है अचलेश्वर महादेव का। यहाँ पर महादेव जी का पंच धातु का नंदी रखा, जो कि बहुत ही वजनदार है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही वजनदार नंदी है, और ये बहुत ही प्राचीन जगह है, ये अचलेश्वर महादेव का मंदिर। ये मंदिर का अंदर का नज़ारा है, ये मंदिर का गर्भगृह है, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बस में बैठ के और एक नई जगह पे ले निकल चुके हैं। बहुत ही शानदार जगह है ये मूवी पॉइंट बोलते हैं इसको। यहाँ पर कुछ हिंदी मूवी का शूटिंग हुआ होगा। बहुत ही शानदार जगह। मैं कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा,
इसके बाद हम लोग आ गए हैं आबू का सबसे ऊंचा शिखर, जिसको गुरु शिखर बोलते हैं। ये गुरु शिखर है, आप यहाँ से एक बार नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पर भी हम लोग कुछ 301 सीढ़ी चढ़ के आए हैं। ये यहाँ का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है, मैं आपको यहाँ से पूरा व्यू दिखाता हूँ। ये हमारी आखिरी जगह थी, इसके बाद हम लोग वापस चले जाएंगे। अब आराम से देखिए और मजे लीजिए। तो दोस्तों, आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।